शराब वैसे तो सेहत के लिए हानिकारक है ही, लेकिन अगर आप सिर्फ चखने के साथ शराब पीते हैं और सिगरेट का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ये आदत आपको बड़ी समस्या में डाल सकती है। GSVM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर SK गौतम ने बताया कि एक रिसर्च में सामने आया है कि अधिक स्मोकिंग और शराब का सेवन करने वाले 50% लोगों में पाइल्स की बीमारी हो रही है और उनके अंदर ये बीमारी बहुत ही कम समय में एक बड़ा रूप ले लेती है। क्या आप भी शराब के शौकीन हैं? और वाकई में अगर आप शराब के शौकीन हैं, शराब पीते होंगे तो चखने के साथ पीते होंगे। अगर आपकी ये आदत है तो इसको आज ही के आज बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शराब के शौकीन हैं और चखने के साथ शराब पी रहे हैं तो फिर आपको बहुत गंभीर बीमारी होने वाली है। डॉक्टर गौतम ने बताया कि स्मोकिंग और शराब का सेवन करने वालों को हाई प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन लोग शराब तो पीते हैं, उसके साथ कुछ पौष्टिक नहीं खाते। लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं लेकिन इसमें खाने का ध्यान नहीं दे रहे। इस कारण पाइल्स जैसी बीमारियां अब लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उन्हें अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। शरीर में इनकी मात्रा कम हो जाती है तो पाइल्स की शिकायत बढ़ जाती है। अल्कोहल कंजम्पशन तो देखिए इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो सभी को पता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग कॉपी करते हैं फॉरेन कल्चर की कि वहाँ पे तो डेली का है तो हम भी लेना है, बट वो चीज़ें इंडियन, अगर आप फिजिक देखें, इथनिक देखें और बिल्ट देखें तो इंडियन का बिल्ट अलग होता है, फॉरेन का बिल्ट अलग होता है। एक्टिविटी को देखें, दे आर मोर एक्टिव इन वर्क, तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इंडिया एथनिक कम्पेयर टू द कॉकेशियंस। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनका जो इनटेक होता है, अगर वो अल्कोहल लेते भी हैं तो वो साथ में डाइट पर भी अपना ध्यान रखते हैं। देयर डाइट्स आर मोर रिच इन प्रोटीन्स, और इंडियन डाइट्स की अगर आप बात करेंगे वहाँ प्रोटीन की बहुत कमी है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपने अल्कोहल लिया है और साथ में आपकी डाइट प्रोटीन रिच नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर वो बॉडी को अफेक्ट करेगी, बॉडी को हर पार्ट को अफेक्ट करेगी, इवन लीवर को अफेक्ट करेगी, हार्ट को अफेक्ट करेगी, और इवन जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं, पाइल्स होते हैं, हीमोरॉइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें फिर आती हैं। डॉक्टर गौतम ने बताया कि जो मरीज इन दिनों OPD में आ रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा पाइल्स के वो मरीज हैं जो कि शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं। ये मरीज इलाज में लापरवाही बरतते हैं तो ऐसे मरीजों में सबसे पहले खून की कमी की शिकायत आती है, इसके बाद ऑपरेशन तक नौबत आ जाती है। और ये जरूरी नहीं कि ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाए, दोबारा भी ये मर्ज उभर सकता है। डॉक्टरों के अनुसार शराब का सेवन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ में आपकी जो प्रोटीन की डाइट हो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके साथ पनीर या न्यूट्री नगेट जैसी चीज़ें या फिर चने जैसी चीज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन जब तक आपके शरीर में नहीं जाएगा, फाइबर नहीं जाएगा, तब तक आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी और उसकी वजह से ये पाइल्स की बीमारी हो जाती है। शराब का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके बाद पेट में कब्ज बनने लगता है, फिर मरीज को मल त्यागने में काफी समस्या होती है जो कि आगे चलकर पाइल्स का रूप ले लेती है। इसी तरह सिगरेट का सेवन करने वालों को पाचन तंत्र में नुकसान पहुंचता है। पाइल्स के रोगी अगर धूम्रपान करते हैं तो उन्हें गुदा से रक्त स्राव की समस्या होने लगती है। यदि दवा चलने के साथ साथ मरीज सिगरेट भी पी रहा है तो इससे समस्या और बढ़ सकती है। जो भी शराब का सेवन करते हैं उनको पाइल्स की बीमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सिर्फ शराब का सेवन करने से ही नहीं, बल्कि आप इनके साथ सिर्फ चखना लेते हैं, जो एक प्रॉपर डाइट होती है वो नहीं लेते, प्रोटीन नहीं लेते, और इसी वजह से इस तरह की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शराब का सेवन जहाँ तक हो सके वो ना करिए, लेकिन अगर आप फिर भी शौकीन हैं, अगर आप फिर भी करते हैं तो उसके साथ प्रोटीन युक्त डाइट लीजिए, तभी इस तरह की बीमारियों से बच पाएंगे। पाइल्स की बीमारी के पीछे एक और बड़ा कारण डॉक्टर SK गौतम ने बताया कि आजकल का खानपान फास्ट फूड और जंक फूड पर ज्यादा चल रहा है, इसकी वजह से लोगों में पाइल्स की समस्या आ रही है। बाहर इस्तेमाल किए जाने वाला ऑयल पेट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए तली भुजी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये तेल आपके पेट में पहुँचने के बाद पाचन तंत्र को खराब करता है, जिसके कारण फिर पाइल्स की समस्या उत्पन्न होने लगती है।